Hi guys, hope you're doing well. Welcome back to my YouTube channel where I share the insights into the life at NLS, yahan ki academics, activities, campus life, and I share my experiences with you all. So more than half of the queries which I received from you guys is about strategizing the CLAT exam. And which is fair also because मैंने जैसे अपने previous videos में भी बोला है कि strategize करना बहुत important होता है अपनी preparation को and CLAT exam को भी. So मैंने सोचा कि आज की video उसी बारे में बनाते हैं and जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे plan किया था अपनी preparation and फिर कैसे strategize किया था CLAT 2020 exam which led me to achieve an all India rank of 11. So, उस बारे में बात करेंगे. But before we get started, I want to tell you guys that it's not rocket science to strategize an exam. You just have to find the right combination of your strengths and weaknesses, and which might work in your favor. And you can always figure that out with a mentor. So, आज उसी बारे में बात करेंगे. तो let's get started, and I will tell you all the specifics of my preparation. Start from 9 months before the CLAT exam. So मैंने नया नया drop लिया था. काफ़ी confusion था because last time की जो preparation थी that didn't work. तो थोड़ा सा confused feel कर रहा था. But मैंने ये decide किया कि इस बार जो preparation करेंगे उसको ठीक से plan करके करेंगे. तो the first thing I wanted to do was to understand my weaknesses. क्योंकि अभी 9 months बचा था मेरे पास, तो ये था कि मैं अभी से अगर अपनी weaknesses समझ जाऊँगा तो I will have enough time to work on them एंड उनको ठीक करने का. सो टू गेट दैट डन मैंने पहले एक मॉक दिया, एंड मॉक दिया तो ऑफकोर्स मॉक टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ, बट आई डिसाइडेड कि पूरा एक मॉक ख़त्म करते हैं, उससे सेक्शनल वो भी पता चलेगा परफॉर्मेंस. तो एवरेज स्कोर आया एंड थोड़ा सा डिसहार्टेंड फील हुआ, बट दिस मॉक वॉज इन नो वे अ बेंच मार्क फॉर एनी थिंग. ये एक्चुअल क्लैट पेपर भी नहीं था. तो जो उससे टेक अवेज लेने थे वो ले लिया मैंने, कि जैसे मॉक टाइम पे नहीं ख़त्म हुआ तो रीडिंग स्पीड बढ़ानी है. फिर था कि मॉक के बीच में थोड़ा सा लाइक बोर्ड हो गया मैं, या फिर लाइक इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो उसके लिए एक डेडिकेशन बिल्ड करनी है और एक हैबिट बिल्ड करनी है ताकि मैं 2 घंटे लगातार बैठ के मॉक दूँ. फिर और था कि मैथ का सेक्शन मुझे लगता था कि ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, बट जब मैं क्वेश्चन करता था तो वह नहीं होते थे, जिससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था और बाकी पेपर पर इफेक्ट पड़ता था. तो इस तरह के कई टेक अवेज थे, वो मैंने फिर नोट डाउन कर लिए. फिर इसके बाद ये प्लान था कि एक मैंने टाइम टेबल बनाया एंड उसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर किया. इट वाज अ वेरी डिटेल्ड टाइम टेबल कि हर दिन क्या करना है, उसको स्ट्रक्चर किया. एंड इस टाइम टेबल के थ्रू मैंने प्लान किया कि अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करूँगा मैं. फॉर रीडिंग स्पीड आई बेसिकली रिलाइड ऑन एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मेनली द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू. तो मैं कैलकुलेट करता था दैट अमाउंट ऑफ टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन दीज न्यूज़पेपर्स, एंड कोई एक न्यूज़पेपर मैं पूरा पढ़ता था. तो इनिशियली इट वाज 2.5 आवर्स. तो अभी तो लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट भी हुई थी एंड मैं मॉक्स नहीं दे रहा था अभी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था देने के लिए अपनी रीडिंग स्पीड को. तो पूरा पेपर मैं ख़त्म करता था. फॉर मैथ आई टुक अ बुक, मैंने एक बुक ले ली जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे नहीं थी. इट वॉज़ अ जनरल बुक विद टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, रेशन, प्रपोर्शन, ये जो मतलब एकदम फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं. तो आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 questions थे हर टॉपिक पे उस बुक में, एंड आई डिसाइडेड टू डू 25 questions एवरी डे. तो ये था कि लाइक 1 महीने में पूरी बुक ख़त्म कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि सारे टॉपिक्स की एक फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगी, बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि कैसे सॉल्व होते हैं. फिर इसके बाद ये भी मैंने डिसाइड किया कि लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लीगल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा, नहीं तो इन टॉपिक्स से टच एकदम छूट जाएगा बाय द टाइम आई गेट डन विद दिस बेसिक प्रिपरेशन एंड मूव टू द मॉक्स. तो मैंने जी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, एंड जी मैट में बेसिकली क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्लैट से. तो मैंने ये सोचा कि इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व जी मैट क्वेश्चंस देन क्लैट क्वेश्चंस वुड सीम ईजियर एंड सॉल्वेबल टू मी. सो वो मैंने किया, एंड ये प्रोसेस आई थिंक चला है 2 मंथ्स तक, जिसमें ये सारे सेक्शंस एंड जी के ये सब चल रही थी. फिर अराउंड नवम्बर आई लाइक डिसाइडेड टू मूव टू मॉक्स. तो अब मतलब मेरे बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर हो गए थे 5 सेक्शन के,
अब टाइम था कि मैं मॉक्स पे मूव करूँ. जीके भी प्रिपेयर हो रही थी न्यूज़पेपर्स के साथ, थोड़ी थोड़ी जीके लर्न होती रहती है. सो नाउ 2 months हैव पास्ड एंड आई स्टिल हैव 7 months टू द क्लैट 2022 पेपर. एंड अब मेरा न्यूज़पेपर पे कम टाइम स्पेंड होता था बिकॉज रीडिंग स्पीड भी बढ़ गई थी एंड आई हैड स्टॉप रीडिंग द इररिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे एंटरटेनमेंट वाले हो गए एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अब मैंने मॉक्स स्टार्ट किए. सो व्हेन आई अप्रोच द मॉक टेस्ट नाउ आई हैड अ गुड रीडिंग स्पीड बट आई डिड नॉट हैव अ गुड सॉल्विंग स्पीड. तो मैंने मैथ बुक सॉल्व कर ली थी ऑलरेडी, सेक्शनल प्रैक्टिसेस कर ली थी एंड बट ये था कि जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था दोस्त वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल क्लैट पेपर. लाइक जी मैट के भी हो गए या मैथ के भी क्वेश्चन हो गए, दोस्त वर वेरी डिफरेंट. बट इनसे ये एक फ़ायदा हुआ दैट आई हैड द हैबिट एंड द माइंड सेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एवरी डे एंड क्वेश्चन देख के ये नहीं लगता था कि अरे यार क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो दैट वॉज अ थिंग. रिगार्डलेस ऑफ दैट जो मेरे फर्स्ट फ्यू मॉक्स थे वो काफ़ी हैफजेड थे एंड आई डिड नॉट नो like where to start and what should be the sequence of the questions I'm solving and kaise gauge karna hai ki if this section is difficult or not. So that's when I realized that there is more to strategy than I thought of and ab ye karna tha ki like paper ko sectionally divide karke usme gauge karna tha ki meri performance kaisi aa rahi hai har section mein and that's how the next leg of the strategy was going to work like. So jaise for example GK is a section jahan pe aap kafi ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इन वेरी लेस टाइम कंपेरेटिवली. तो लाइक मेरे पेपर में क्या था, 35 मार्क्स की जी के होती थी एंड यू कैन ईजली स्कोर आउट ऑफ 35 मार्क्स इन 10-12 मिनट्स. तो इट वुड बी फूलिश टू कीप जी के टूवर्ड्स दी एंड, क्योंकि अगर आपका एंड में टाइम ही नहीं बचा पेपर में तो आपके पूरे 35 मार्क्स या काफ़ी मेजर चंक ऑफ मार्क्स चले जाएंगे. अनदर एग्जाम्पल इज़ मैथ. मैथ में मैं काफ़ी फंस जाता था एंड आई वुड टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दीज क्वेश्चन. तो मैथ को इट वॉज ब्रेनी टू कीप टूवर्ड्स दी एंड, तो ताकि अगर मेरे पास एंड में टाइम बचा है काफ़ी तो आई कैन गिव ऑल दैट टाइम टू द मैथ सेक्शन एंड आराम से सॉल्व कर सकता था. ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया अगले 2 महीने तक एंड अब वो पॉइंट आ गया था जहाँ पे 5 months बचे थे क्लैट को. सो अब मुझे डिसाइड हो गया था कि मुझे क्या सीक्वेंस रखना है अपने सेक्शंस का. आई वॉज स्टिल ओपन टू चेंजिंग इट बट मोस्टली ये मेरा हर मॉक में डिफॉल्ट सीक्वेंस रहता था विच वॉज इंग्लिश जी के, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ टूवर्ड्स दी एंड. सो ये सीक्वेंस मेरे लिए वर्क कर गया बट इट माइट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस द सीक्वेंस विद योर मेंटोर, जो कि लाइक अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख के आपको प्लान करना होता है. तो अब मैं बेटर हो गया था मॉक्स देने में एंड द प्रोसेस स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी एंड वन थिंग आई इंश्योर्ड वॉज टू गिव अ मॉक टेस्ट एवरी डे. एंड इसके पीछे भी रैशनल वही था कि आई डोंट लूज द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड सिटिंग फॉर 2 hours स्ट्रेट एंड ये हर दिन जब करेंगे तो इतना अच्छा हैबिट बन जाती थी. सो दैट वाज द प्लान और इससे अटेम्प्ट्स भी बढ़ रहे थे एंड एक्यूरेसी भी बढ़ रही थी. तो इसी तरह मॉक्स चल रहे थे, मेरे डिसेंट स्कोर आ रहे थे एंड अभी 4 months बचे थे क्लैट को. सो आई थिंक नाउ आई कैन टेल यू व्हाट माय एवरेज डे यूज टू लुक लाइक इस पॉइंट पे. तो आई वुड वेक अप अराउंड 9 or 10 एंड फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठता था 11 o'clock पे. तो फर्स्ट आवर मेरा रहता था बेसिकली न्यूज़पेपर्स के लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके जी के मार्क कर ली या एडिटोरियल पढ़ लिया. एंड सेकेंड आवर वुड बी फॉर जी के, तो उसमें डेली जी के कवर कर ली या जो भी न्यूज़ और समथिंग जो भी आई है वो कर लिया. आफ्टर दिस आई वुड हैव माई लंच. लंच में आई एंश्योर्ड कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं करना है. तो आई वुड वॉच अ टी वी शो, अ मूवी, लाइक फ्रेंड्स देखता था मैं उस समय या हाउ मेट योर मदर देख लिया, ये रहता था. एंड सो लंच वॉज बेसिकली टू कूल माई सेल्फ डाउन एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द मॉक टेस्ट आफ्टर दिस. तो 2 o'clock से 4 o'clock तक मॉक टेस्ट रहता था एंड ये टाइमिंग ही मैं मेनटेन करता था हमेशा बिकॉज एक्चुअल क्लैट पेपर भी इसी टाइम पर होता है. तो आफ्टर 4 o'clock अगर कुछ बचा रह जाते थे क्वेश्चन तो आई वुड जस्ट सिट उसी स्ट्रेच में एंड वो ख़त्म कर देता टेस्ट के क्वेश्चन. फिर ये ख़त्म हो गया. इसके बाद हाफ एन आवर का एक ब्रेक लेता था जिसमें आई वुड गो आउट फॉर अ वॉक, गेट सम जूस और समथिंग. एंड वन थिंग आई इंश्योर्ड वॉज टू नॉट डिस्कस माई लाइक पेपर विद एनी वन, लाइक फ्रेंड्स के साथ मैं डिस्कस नहीं करता था. एंड मेरी ये स्कूल डेज से आदत है कि एग्ज़ाम्स या क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना, सो मैं इसलिए वॉक पर चला जाता था. एंड आफ्टर दैट आई वुड कम बैक
फिर आई वुड सिट डाउन एंड ये टाइम होता था मॉक एनालिसिस का. तो इनिशियल डेज में तो काफ़ी रिगरस होते थे एनालिसिस, लाइक एक एक क्वेश्चन को यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर मार्क किया, इफ़ नॉट दैट आंसर. तो ये रहता था. बट लेटर एनालिसिस थोड़ा ईजी हो गया बिकॉज चीज़ें समझ में आने लगी, क्वेश्चंस सही होने लगे. तो एनालिसिस चलता था अराउंड 6 o'clock तक. तो अभी 6 o'clock हो गए. तो पहले तो लाइक 6 o'clock पे मैं अपने बंद कर देता था स्टडी, बट 4 months जब बचे थे या इसके बाद भी, तो आई वुड सिट डाउन एंड डू माई GK आफ्टर दिस, जो पहले के GK या मंथली जो भी कंपेंडियम्स एंड ऑल होते थे, दैट आई वुड डू. सो GK रहती थी एंड फिर 7, 7:30 और 8 o'clock वुड बी द लिमिट ऑफ इट. एंड 8 o'clock के बाद मेरी स्टडी बंद हो जाती थी एंड इसके बाद आई वुड गो आउट ऑफ माई होम एंड चिल विद माई फ्रेंड्स, या फिर कुछ मूवी देख ली, टीवी शो देख लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया एंड फिर उसके बाद आई वुड स्लीप बाय 12:30 और 1 o'clock. सो दिस इज़ वॉट माई एन एवरेज डे लुक लाइक उस टाइम पे अराउंड. दिस इज़ लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला टाइम था ये. ड्यूरिंग माई 9 months ऑफ प्रिपरेशन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है प्रिपरेशन में या एक्चुअल क्लैट पेपर में, इज द माइंड सेट यू हैविंग वाइल प्रिपेयरिंग और वाइल राइटिंग द पेपर. दिस इज़ वन थिंग आई एंश्योर्ड फॉर माई सेल्फ एंड मेरे लिए बहुत क्रूशियल था कि मैं काम माइंड सेट रखूँ वाइल स्टडिंग एंड स्पेशली वाइल गिविंग द मॉक. तो ये चीज़ मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में नहीं इंश्योर करी थी. लो मॉक स्कोर्स ऑफकोर्स डिसहार्टनिंग होते थे मेरे लिए भी, बट आई डिसाइडेड टू नॉट सल्क अबाउट इट, बट इंस्टेड कि टेकअवेज क्या हो सकते हैं उससे या फिर मिस्टेक्स क्या रियलाइज हो सकती हैं उनसे, वो करते हैं. तो हर मॉक के बाद मैं मिस्टेक्स लिखता था अपनी एंड ट्रस्ट मी, हर मॉक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स यू कैन राइट डाउन एंड पिन पॉइंट. इवन क्लैट 2022 पेपर में भी मैं चाहूँ तो 5 mistakes लिख सकता हूँ जो मैंने करी होगी. सो मिस्टेक्स लिखने से क्या होता है, यू गेट अ रियलाइजेशन ऑफ द थिंग्स यू डिड रॉन्ग एंड उससे एक अवेयरनेस आ जाती है एंड देर इज़ देन लेस चांस ऑफ मेकिंग द सेम मिस्टेक इन योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग योर पेपर एंड स्ट्रैटेजाइजिंग गिविंग द मॉक. ऑफकोर्स इट इज़ ईजियर टू से देन एक्चुअली डूइंग दिस एंड कई बार रिजल्ट नहीं आते तुरंत एंड एक दिन में नहीं आते, एक हफ्ते, दो हफ्ते लग जाते हैं, नहीं आते हैं रिजल्ट एंड देन यू स्टॉप डूइंग इट. बट दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू डोंट हैव टू डू. यू हैव टू कीप फेथ इन द प्लान दैट यू हैव इन योर हैंड एंड द स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट विद दैट सेट माइंड सेट कि हाँ कभी तो ये वर्क करेगा ही. यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो दोज आर नॉट द एक्चुअल क्लैट पेपर. सो अगर उसमें लो स्कोर्स आ रहे हैं या थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है तो यू डोंट हैव टू सल्क अबाउट इट एंड यू डोंट हैव टू बी डिसहार्टन अबाउट इट. इंस्टेड यू हैव टू पिक आउट द गुड थिंग्स विच यू कैन फ्रॉम दैट पेपर, लाइक कि आपने मिस्टेक्स क्या करी है, अगर आप ले लोगे तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका बेटर होगा. तो यू हैव टू गेट द टेक अवेज फ्रॉम दैट पेपर एंड यू डोंट हैव टू थिंक कि ये फाइनल हो गया. तो मैं ये करता था एंड देन आई प्रैक्टिस सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. तो कई घंटे लगातार बैठने की आदत डाली विच इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल. जैसे हो गया कि ये GK शीट तो ख़त्म करके ही उठूँगा. तो ये सब प्लान्स रहते थे. सिंस GK की बात हो ही रही है तो आई थिंक GK डिजर्व्स अ सेपरेट सेक्शन इन दिस वीडियो बिकॉज मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ दैट GK इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन एंड ये आपको एज दे सकता है एंड देन इवेंचुअली इट कैन डिसाइड हाउ यू स्कोर इन द ओवरऑल पेपर. सो GK का मैंने देखा था कि मेरे फ्रेंड्स कई अलग अलग मेथड्स फॉलो करते थे, कुछ नोट्स लेते थे ऑफ एवरीथिंग दे रेड एंड सम वुड रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोज और ऑडियो मटीरियल. सो ये मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मैंने ट्राई किया था टू रिफर टू यूट्यूब वीडियोज एंड ऑडियो मटीरियल जो भी था ऑनलाइन, बट इट डेंट रियली वर्क आउट फॉर मी. सो इस बार मैंने रिलाई किया ऑन वन सोर्स ऑफ GK एंड डेली नोट एंड आई एंश्योर्ड कि जो वो सोर्स मैं रेफर कर रहा हूँ आई डू इट सो वेल दैट आई नो एवरी थिंग बाई हार्ट. कई सोर्सेज पर रिलाई करने से आई फील कि वो GK ट्रैक करना थोड़ा हैफजर्ड हो जाता है एंड देन यू एंड अप डूइंग वेरी लिटिल. तो आई मेंटेन्ड अ लूप ऑफ रीडिंग द GK एंड गिविंग द टेस्ट एंड जैसे ही नई मंथली एडिशन आते थे वो मैं उसमें ऐड करता जाता था और वो लूप चलता रहता था. तो इससे वही सेम GK मैंने इतनी बार कर ली कि वो एकदम माइंड में मेरे सॉलिडिफाई हो गई. ओनली आफ्टर आई वॉज प्रॉपरली डन विद द इनिशियल सोर्सेज तो मैं बाकी सोर्सेज पे मूव किया जो भी अलग अलग कंपेंडियम्स होते थे. इसके अलावा मेरे पास नोटबुक भी थी एक डेली GK नोट डाउन करने के लिए और स्टैटिक GK के लिए भी काफ़ी मैंने लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी थी.
सो एक मैं अलग वीडियो भी बताऊंगा जिसमें मैं सारी टिप्स शेयर करूंगा और जो भी मैंने ट्रिक्स डिवाइस करी थी अपने टाइम के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने लगा, तो दैट वुड बी इन अ सेपरेट वीडियो। यही प्रोसेस चलता रहा, फिर 2 महीने बचे थे क्लैट को, 1 महीने हुआ, फिर 15 डेज हुआ एंड मॉक टेस्ट अच्छे चल रहे थे एंड मैंने एनालिसिस करना ऑलमोस्ट रोक ही दिया था, बट फिर भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते थे टेस्ट देते वक्त, बट आई वॉज जस्ट होपिंग कि जो क्लैट पेपर होगा वो उन अप्स में फॉल करे एंड 2 से 4 की टाइमिंग जो थी वो मैं मेंटेन करके रखता था। GK इस समय फुल फोर्स में चल रही थी एंड जो वो लूप था, तो मैं GK इतनी बार वही रिपीट कर चुका था कि वो एकदम अच्छे से याद हो गई थी एंड मैंने मई तक की GK करी थी व्हेन द एग्ज़ाम वाज 19th June, तो मैंने मई एंड तक का GK प्रिपेयर किया था। इसके अलावा आई वुड कीप माय वाटर बॉटल विद मी व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट एंड स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देने के लिए जो मैं पेन यूज़ करता था, दैट वॉज द सेम पेन आई यूज़ फॉर द एंटायरिटी ऑफ द टाइम एंड ऑल्सो द क्लैट पेपर। 3 दिन बचे थे क्लैट को एंड इन द लास्ट 2-3 डेज आई स्टॉप डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट गिविंग द मॉक टेस्ट एंड डूइंग माई GK। सो आई इन्श्योर दैट एवरीथिंग आई डिड वॉज वेरी मच सिमिलर टू वॉट आई वुड बी डूइंग क्लैट एग्जाम के दिन एंड दीज लिटल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे इन इन्श्योरिंग कि एवरीथिंग फॉल्स परफेक्टली इन प्लेस। जैसे कि हो गया, आई स्टार्टेड वेयरिंग द सेम टी शर्ट आई वॉज गोइंग टू वेयर एग्जाम डे पे एंड देन आई स्टार्टेड कैरिंग माई एडमिट कार्ड की एक कॉपी टू दीज मॉक टेस्ट। सो इन सबसे लाइक आई इन्श्योर दैट क्लैट डजेंट सीम लाइक समथिंग ह्यूज एंड इट जस्ट सीम्स लाइक समथिंग आई हैड बीन डूइंग 6 महीने से रोज। तो जो पैनिक होता है, जो बहुत कॉमन होता है एस्पिरेंट्स के अंदर, वो पैनिक ना आए एंड इट जस्ट सीम्स वेरी कॉमन। नाउ इट्स 1 डे बिफोर द एग्जाम एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गिव अ मॉक इस दिन एंड जस्ट कूल माई सेल्फ डाउन। GK कर रहा था तो GK वॉज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज उस GK को इतनी बार मैं कर चुका था। सो इसके अलावा बेसिकली रीडिंग GK से कवर हो जा रही थी, सो आई जस्ट रिलैक्स माई माइंड एंड केप माई सेल्फ काम। उस रात मैं 1-2 बजे सोया था, थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम एंड थोड़ा सा वो चिंता हो रही थी, वरी हो रहा था। फाइनली द डे फाइनली द डे ऑफ द क्लैट एग्जाम केम एंड आई वोक अप एट अराउंड 10। सो मैंने ये सोचा था कि आई डोंट वेक अप सो अर्ली कि क्लैट एग्जाम तक मैं थक जाऊँ या नींद आने लगे एंड आई डोंट वेक अप सो लेट कि क्लैट एग्ज़ाम में भी मैं नींद में रहूँ 2 बजे के आसपास। इसलिए मैं 10 बजे उठा था एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें आलू का पराठा और कोल्ड कॉफ़ी पिया अराउंड 12 o'clock एंड थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा टू लाइक गेट अ हैंग ऑफ रीडिंग द पैसेजेस एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द पैसेजेस विच आई रीड। तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ के आई लेफ्ट फॉर द सेंटर एट अराउंड 1 o'clock। आई रीच द सेंटर एट अराउंड 1:30 एंड गेट्स 1:45 पे खुलने थे एंड आई न्यू कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्लैट दे रहे हैं, बट आई इन्श्योर्ड नॉट टू स्टेप आउट एंड टॉक टू देम। मैंने ये सोचा था कि आई वुड नॉट टॉक टू anyone बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज कई बार ये होता है कि आप बात करते हो दूसरों से तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि वो आपसे कुछ पूछ लें GK का विच यू हैव नॉट डन एंड इवन इफ ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लैट पेपर में नहीं आ रहा होगा, बट उस पॉइंट पे आपको ये लगेगा कि अरे यार GK पूरी नहीं हुई एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है। तो इसलिए मैं बस अपने कार में ही बैठा हुआ था, आई हैड माई ईयरफोन्स ऑन एंड आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड आई डिड नॉट टॉक टू एनी वन। फिर जैसे ही 1:45 पे गेट्स खुले तो मैंने अपना एडमिट कार्ड, पेंसिल बॉक्स, ID कार्ड, ये सब चीज़ें उठाई एंड देन आई वेंट इनसाइड स्टिल ट्राइंग टू लिमिट माई कॉन्वर्जेशन विद एवरीवन एंड देन आई यूज़ द वॉशरूम। सो मुझे एग्ज़ाम के बीच में ना उठना पड़े एंड देन आई वेंट टू द एग्ज़ाम हॉल। तो मेरी सीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिडिल रो में थी एंड जैसे ही मैं बैठा, सामने मेरे एक प्लास्टिक पैकेट रखा था जिसमें एक ब्लू बुकलेट थी एंड दैट कंटेन्ड एवरीथिंग आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस टाइम। सो एक काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग आई, काफ़ी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे उस समय, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम। एंड फिर एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि वी वोंट बी अलाउड टू फिल इन आर डिटेल्स बिफोर 2 o'clock। तो थोड़ा सा रूम में काफ़ी बोलने लगा कि अलाउड होना चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, बट रिगार्डलेस मैं बस अपना बुकलेट पढ़ रहा था एंड आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम। फिर जैसे ही 2 बजे आई जस्ट टोर ओपन द प्लास्टिक पैकेट एंड स्टार्टेड फिलिंग इन द डिटेल्स। इस पॉइंट पे रोल नंबर मुझे अपना बाय हार्ट याद हो गया था। फिर मैंने तुरंत बुकलेट खोली एंड हमें बुकलेट संभाल के खोलनी थी बिकॉज एक पेपर सील होती है तो उससे कभी कभी वो बुकलेट का कवर पेज फट जाता है एंड समथिंग लाइक दैट।
तो मैंने बुकलेट खोली एंड देन आई स्टार्टेड स्किमिंग थ्रू द सेक्शंस टू गेज की कैसी लेंथ है या डिफिकल्टी क्या है. एंड देन अराउंड 2 o'clock एंड 4 minutes आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो पूरे 2 घंटे में काफ़ी नॉइज़ भी हो रही थी. एक पॉइंट पे जब एग्जामिनर ने रिस्ट वॉचेस ले ली बच्चों की, तो उसमें काफ़ी बहस होने लगी कि अलाउड होना चाहिए. फिर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी बीच में, एंड एक पॉइंट पे काफ़ी देर तक नहीं थी, एंड उसमें फ़ैन्स भी बंद हो गए. तो इट वाज लाइक 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सब स्वेट कर रहे थे एंड काफ़ी गर्मी हो गई थी. बट आई ट्राइड टू लाइक नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड मैं फोकस अपना सिर्फ एग्ज़ाम पे रखा था एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे. सो अगर मैं किसी क्वेश्चन पे फंस रहा था, आई वुड जस्ट सिट बैक एंड ड्रिंक वाटर एंड फिर मैं स्टार्ट कर रहा था. तो इससे एक मतलब फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट हो रहा था वो क्वेश्चन. फिर 2 घंटे बाद एग्जामिनर ने आके हमारी OMR शीट ले ली एंड आई थिंक मैंने 2 questions मेरे छूट गए थे मैथ सेक्शन में. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई वॉज सेटिस्फाइड विद हाउ द एग्जाम. फिर मैं बाहर निकला एंड काफ़ी मिक्स रिएक्शन दिख रहे थे लोगों के, समवेयर एक्साइटेड एंड समवेयर अनहैप्पी. तो मैं जैसे ही बाहर निकला इमीडिएटली लेफ्ट द कैंपस एंड आई सॉ माई डैड, ही वॉज राइट देयर. तो ही वॉज वेटिंग दिस होल टाइम. मैंने उनसे कहा था कि मत वेट करिएगा, बट ही वॉज देयर. तो मैं उनके पास गया एंड ही इमीडिएटली आस्क्ड मी कि कितने अटेम्प्ट्स थे. तो आई टोल्ड हिम 144 एंड उससे लाइक ही वॉज रियली हैप्पी एंड वो श्योर हो गए दैट द पेपर हैज गॉन वेल, बिकॉज ही न्यू कि मेरे एक्यूरेसी रेट जो था, करेक्ट रेट, वो 90% के अराउंड था. तो मोर देन मी आई थिंक ही फॉर श्योर दैट आई एम गोना गेट इन टू NLS. एंड फिर उसके बाद मैं कार में बैठा एंड देन आई कॉल्ड माई मॉम एंड भैया एंड दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज पेपर अच्छा गया था एंड एवरी वन वॉज श्योर कि हाँ कॉलेज मिल सकते हैं. सो दैट वॉज हाउ इट वन. आई थिंक दिस इज़ इट एंड दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड देन राइटिंग द पेपर. हाउएवर आई वुड लाइक टू रिइटरेट दैट जो मैंने स्टेप्स लिए दोज वर्कड फॉर मी, विच मे और मे नॉट वर्क फॉर अदर्स. हाउएवर कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हो गया कि हैविंग अ सेट माइंड ऑन योर गोल एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड देन बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ राइटिंग द टेस्ट. ये सब चीज़ें यूनिवर्सल हैं एंड दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू अचीव अ गुड स्कोर. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग स्पेसिफिक अबाउट माई प्रिपरेशन, then do let me know. You can comment those things you would want me to talk about in the next video, or you can connect with me on Instagram and DM me there. I read all your texts and comments and I try my best to respond to them. I'm so glad that I have this opportunity of being at NLS and being able to share these things, because aap sabne mujhe bataya that my content inspire you guys, so I'm super glad for all those things. I will keep posting more such videos and wish you all the best for your preparation. Till then, stay tuned and I will see you in the next one. Bye-bye.